गाजीपुर जिला का मरदह विकास खंड मुख्यालय अक्सर अपने कर्मचारियों के करतूतों से चर्चा का विषय बना रहता है। सोमवार को अचानक 10 दिन बाद जब मरदह ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर निधि सिंह कुशवाहा अपने कार्यालय पहुंची तो उनके ऑफिस के टेबल पर शराब की 3 बोतलें एवं ग्लास, पानी की बोतल व खाली नमकीन का पैकेट मौके पर पाया गया। इस संदर्भ में जब एडीओ पंचायत एवं वीडियो के कर्मचारियों से पूछा गया कि प्रमुख कक्ष में कौन शराब पीता है तो सभी द्वारा अनभिज्ञता जताई गई। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर निधि सिंह कुशवाहा से पूछने पर उन्होंने कहा था कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है, मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मैं अराजक तत्वों के खिलाफ थाने में तहरीर दूंगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा भी हो रही है। सुनिए ब्लॉक प्रमुख निधि कुशवाहा ने क्या कहा था। मैं डॉक्टर निधि सिंह कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख मरदह, जो कि मैं आज कुछ कार्यों से ब्लॉक पे गई थी। एक हफ्ते पहले डीएम का प्रोग्राम था, उस दिन के बाद लगभग मैं आज वहाँ कुछ प्रोग्राम कुछ जरूरी कार्यों से मैं ब्लॉक पे गई थी और वहाँ मैंने जो अस्त व्यस्त और जो वहाँ की सारी कर्मचारियों की जो लापरवाही देखी उसको देख के मैं दंग रह गई, क्योंकि जैसे ही मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला उसके बाद उस मेरे कैबिन पे मेज पे तरह तरह के दारू की बॉटल, बिस्लेरी की बॉटल और नमकीन ये सब रखा गया था और सील टूटी हुई थी, पूरा कुर्सी अस्त व्यस्त था और मेरा पूरा चेम्बर एकदम अस्त व्यस्त था, जो कि मैं देख के एकदम से दंग रह गई हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना पोजीशन होता है, हर कुर्सी की एक महत्ता होती है, जिसको ये लोग बिल्कुल गलत यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं इस पे कार्यवाही चाहती हूँ, मैं इससे डीएम से कल मिलके मैं इस पे सख्त से सख्त कार्यवाही करवाना चाहती हूँ ताकि ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ब्लॉक परिसर पे सरकारी प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की है और वहाँ लोग काम करने जाते हैं। काम का क्षेत्र एक मंदिर होता है, मंदिर में कोई जाके दारू या शराब पिए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ और मैं इसके लिए डीएम से भी मिलूंगी और नहीं हुआ तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री तक भी मैं जाऊंगी। इस खबर के सामने आने के बाद विभाग सहित पूरे जनपद में हलचल पैदा हो गई है। जानकारी होने पर ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई एवं तत्काल प्रभाव से निलंबन की मांग की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने सीडीओ को जांच के आदेश दिए हैं। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, डॉक्टर नितेश सिंह कुशवाहा, प्रवीण यादव, आलोक कुमार, सच्चे लाल यादव आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।